नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। टीकमगढ़ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, फ्लैग मार्च निकालकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने का दिया संदेश। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने, आमजन के मन में पुलिस के प्रति सद्भाव व शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने और आमजन में विश्वास बढ़ाने को लेकर मंगलवार को टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी की अगुवाई में पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य और सामाजिक तत्वों को सावधान एवं शांति प्रिय जनता में कानून के प्रति जिम्मेदारियां का एहसास करना है। शास्त्रों से लेस बटालियन टीम और पुलिस स्टाफ, जिसमें महिला पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद थी। विधानसभा चुनाव को लेकर शहर टीकमगढ़ में जिला प्रशासन अलर्ट है। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन परिसर से शुरू होकर चक्रा चौराहा, अस्पताल चौराहा से होते हुए मुख्य मार्ग सिविल लाइन रोड होते हुए गांधी चौराहे से कटरा बाजार होते हुए नगर के मुख्य इलाकों से होते हुए करीब 4 से 6 किलोमीटर का पैदल फ्लैग मार्च निकाला, जिसका समापन सिविल लाइन परिसर में हुआ। फ्लैग मार्च को देखने के लिए कई लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे, वहीं कई घरों की छतों से लोग फ्लैग मार्च को देखते रहे। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को फ्लैग मार्च के जरिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया। साथ ही आम जनता को विधानसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था व आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। फ्लैग मार्च के जरिए आम जनता को प्रशासन ये संदेश भी देना चाहता है कि वह निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपना मतदान करें और पर्याप्त पुलिस है जो कि आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ है। टीकमगढ़ से जिला ब्यूरो महेश वर्मा की रिपोर्ट।